लोकायुक्त ने कटनी के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अधिकारी ने यह राशि राशन दुकान पास करने के एवज में मांगी थी। कटनी कलेक्टर स्थित खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग में जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने दबिश देकर खाद्य निरीक्षक को 30,000 रुपयों की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जबलपुर लोकायुक्त ने रिश्वतखोर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी संतोष नंदनवार को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। जबलपुर लोकायुक्त की 7 सदस्यीय टीम ने कलेक्टर परिसर स्थित खाद्य विभाग में दबिश देते हुए रिश्वतखोर अधिकारी को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता अमन ने बताया कि गांव में राशन दुकान पास करवाने के एवज में खाद्य विभाग के संतोष नंदरवार द्वारा 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी, जिसकी शिकायत लोकायुक्त में दर्ज कराई थी और पैसे कम करवाते करवाते बात 30,000 में बनी, जिस पर लोकायुक्त ने उसे रिश्वत लेते पकड़ा। मैंने मेरी हमने कहा ठीक है, आवेदन हमने ऑनलाइन कर दिया। नंदवार जी से बात हुई तो उन्होंने पैसे मांगे कि यहाँ आए तो 50,000 रुपये लगेंगे तब जाके काम हो पाएगा। मैं पैसा रखता तो नहीं कर पाऊँगा, मैं कम से कम कर दीजिए इतना हो जाता हूँ कल। तो फिर आखिरी में हम लोग की 30 में बात हुई थी कि सर को कल मैंने आवेदन दिया, सर मेरा ऐसा 30,000 रुपये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है अभी भी, तो क्या है मैं आपका काम कर रहा हूँ। तो क्या हुआ, 30,000 के लिए एक आज पहली किस्त दे चुके हैं? जी सर, मैं 30,000 रुपये दे चुका हूँ। कब दिए थे? आज ही दिया सर। कितने दिन पहले बात हुई थी आपकी? कितने दिनों पहले? 5 दिन पहले बात हुई। नंदवाल जी क्यों नंदवाल जबलपुर 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 किसको दिया था? नंदवाल जी कौन है? अच्छा, आपके वो समूह का नाम क्या है? सपना सौ समूह। कहाँ पर? बाड़ा गाँव। और अपनी क्या नाम है? रमा वर्मा। किस बात के लिए मांगा था वो पास कराने के लिए? कि आपका काम हो जाएगा, पास हो जाएगा। किस चीज़ में पास हो जाएगा? ये जो आप गल्ला वितरण का काम आपको मिल ही जाएगा। फूड इंस्पेक्टर का नाम क्या है? नंदवार जी नाम है। आपका नाम क्या भैया? राजकुमार वर्मा। ठीक। कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे लोकायुक्त निरीक्षक स्वप्निल दास ने बताया कि शासकीय उचित मूल्य की दुकान पास करवाने के एवज में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी संतोष नंदनवार द्वारा 30,000 रुपए की मांग की गई थी, जिस पर अधिकारी के विरुद्ध राजकुमार बर्मन द्वारा लोकायुक्त में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी और आज खाद्य विभाग के कार्यालय में दबिश देते हुए 30,000 रुपये की रिश्वत लेते आरोपी अधिकारी संतोष नंदनवार को पकड़ा। कार्रवाई पूरी करते हुए भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत प्रकरण बनाया गया। दिनांक 16/3/2023 को प्रार्थी राजकुमार बर्मन लोकल कार्यालय उपस्थित आया। उसने श्रीमान पुरुष अधीक्षक मौर्य के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया कि उसकी पत्नी सपना स्व सहायता समूह चलाती है और उनकी पत्नी के द्वारा आवेदन किया गया था। आजकल शायद खाद्य विभाग से एक योजना है कि जिस गांव में राशन दुकान नहीं है उन गाँवों में राशन वितरण के लिए दुकानें आवंटित की जा रही हैं। उप संबंध में प्रार्थी की पत्नी द्वारा आवेदन किया गया और जब उक्त कार्य के लिए प्रार्थी आकर खाद्य विभाग में पदस्थ संतोष नंदनवार जी से मिला खाद्य निरीक्षक के लोग, तो उनके द्वारा उक्त कार्य कराने के एवज में 50,000 रुपये रिश्वत की डिमांड की गई थी। हमारे द्वारा प्रार्थी को DVR लेकर भेजा गया। रिकॉर्डिंग के दौरान मोलभाव कर 30,000 रुपये लेने को संतोष नंदनवार तैयार हो गए थे, जिससे आज दिनांक को 30,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। नंदवार जी क्या है, किस पोस्ट पर? खाद्य निरीक्षक है खाद्य विभाग कटनी। नंदवार जी का पूरा नाम क्या है? संतोष नंदनवार। क्या कार्रवाई कर रही है अभी लोकायुक्त टीम? अभी लोकायुक्त की टीम के द्वारा जो ट्रैप राशि बरामद की गई है, कितनी राशि? कुल 30,000 रुपये बरामद की। और किसी की संलिप्तता पाई जा रही है? अभी चूंकि अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जो जिनका भी नाम इसमें सामने आता है तो उनके विरुद्ध निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। नाम बताइए। स्वप्निल दास, निरीक्षक लोकायुक्त। कटनी से RB गुप्ता की रिपोर्ट।